वेलकम गाइस, आज का ये वीडियो जो है ये मेरी एक मिस्टेक भी था शायद, और एक मेरा ओपिनियन भी था, तो दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए। और आज एक हैज में एक नई चीज़ मैंने की थी, वो मे बी आप लोगों को समझ नहीं आई क्यों मैं उसको ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या पोजीशन मुझे ऐड करनी थी, क्यों करनी थी, उसका रीज़न भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा। कैसे हमने आज अपनी पोजीशन को सिक्योर किया, एक हेज पोजीशन को सिक्योर किया, उसका सिक्योरिटी रीजन था और कोई रीजन नहीं था, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सालों साल से मैं इस स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूं, मैंने मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, या तो मिलता है प्रॉफिट या नहीं मिलता। और एक्यूरेसी रेट मेरे हिसाब से आप बिल्कुल मत मानिए, पिछले 10-12 दिनों से मैं दे रहा हूं। शायद एक फिन निफ्टी में हमें ये थोड़ा सा इश्यू हुआ था, हाँ बाद में चला था वो, लेकिन उससे पहले मैं एग्जिट करवा चुका था। मैंने 24 के नीचे, अगर मैंने बोला कि 24 के नीचे अगर प्राइस आएगा दोनों का, 36 36 पे बाय हुआ था, एक का प्राइस 33 था, एक का 36 था, फिर निफ्टी, मुझे अच्छे से याद है, मेरा खुद का ट्रेड भी था, तो वो प्रीमियम कंटिन्यूअसली थीटा डीके हो रहा था, टाइम डिले उसमें इशू आया और वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था। जो जब वो डाउन चला तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि आप 24 के नीचे अगर दोनों का प्रीमियम मिलता है, आ जाता है, तो आप वेट मत कीजिएगा, दोनों को एग्जिट कर दीजिएगा। तो वहां पे स्टॉप लॉस हमारा 50% का था, यानी 15-15 रुपए, 15-18 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो वाई वी डोंट वेट वेट फॉर द 15 और 16 रुपीज, राइट? सो दैट्स वाई मैंने वो एग्जिट कराया था। और उसके बाद वो चली भी, शायद 14 रुपए का लो था और 14 रुपए के बाद उसने 80 रुपए का हाई भी मारा, तो वो कोई मैटर नहीं है। जब आपकी पोजिशन ही एग्जिट हो गई तो फिर उसमें बाद में कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। दोबारा भी हैज हुआ था, 15-15 रुपए पे भी हुआ, 20-20 पे भी हुआ, बहुत टाइम मिला था बैंक फिन निफ्टी को दोबारा हैज करने का, बट मैंने नहीं दिया, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैंने किया था अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग चीजों में, अपने पर्सनल चीजों में। सो इट्स नॉट अ मैटर कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरा M2M क्या है, मेरी चीजें क्या है, मैटर ये है कि जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो चलिए, पहली गलती मुझसे ये हुई, मैंने एक मैसेज किया था एग्जैक्टली मॉर्निंग टाइम पे, मैंने एक सी का मैसेज किया था, बाय सी, राइट? ये एग्जैक्टली मुझसे रॉन्ग हुआ है, एग्जैक्टली हम पी की तरफ देख रहे थे और ये चार्ट मेरा थोड़ा ऊपर नीचे था, ऊपर पी था नीचे सी, तो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और मुझे इश्यू हुआ उस कंडीशन में, और मे भी आप इसे गलती कह सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली प्राइस जो था 55, मैंने 53 पे यहाँ पे वो करवाया उस टाइम पे, मैं मॉर्निंग के टाइम पे मैं 3 मिनट एंट्री के लिए देखता हूँ, आप लोगों को भी बोला कि 2 मिनट या 3 मिनट की एंट्री ऊपर नीचे आप देख सकते हो अर्ली एंट्री के लिए। सो आप देखिए फर्स्ट लेवल के, इसका तो ऊपर प्राइस था ही नहीं, तो सिर्फ पी का प्राइस ऊपर था, राइट? 58 क्लोज था या ये क्लोज था। अब कंडीशन क्या है कि पहले जब SLT के ऊपर क्लोज हुआ तो आपने 58 पे किया हो, या मैंने आपको एग्जैक्टली जब एंट्री दिया तो उस टाइम पे प्राइस 53 चल रहा था, मैंने वो मेंशन भी किया उसमें कि आप उसको एक बार देख लीजिए, ये देखिए अब वो SLT निफ्टी, और मैंने वहां पे 53 पे एंटर कीजिए और 41 का स्टॉप लॉस, तो मैंने शायद वो CEP में मेरा कंफ्यूजन रहा और मैंने वो गलती से वहां पे सी राइट डाउन कर दिया। आप देखिए बाय सी, राइट? सो ये कंफ्यूजन रहा, अदरवाइज दिस विल बिकम्स है अपसाइड फ्रॉम देयर। SLT लेवल के नीचे आप 49 के ऊपर ये वाली ही वैल्यू थी, मैंने 53 का प्राइस लिखा कि आप बाय कर लीजिए, क्योंकि वो प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल डाउन कर रहा था, अगले लेवल से भी नीचे जा रहा था, ठीक है? तो इसके कैंडल के क्लोज पे मैंने एग्जैक्टली कि वो एग्जैक्ट पॉइंट 39 34 पे क्लोज हो रहा है, तो आप इसको बाय कीजिए। अब यहां पे बाय हुआ 53 पे। अब एक सिंपल चीज को समझ लीजिए, लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है बट कोई भी मुझसे नहीं शेयर करता है और बताता भी नहीं है और मैं पूछना भी नहीं चाहता, बट आप सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। मैंने 53 का बोला है, 53 55 पे आप 55 का एग्जैक्टली 20% देखिए कितना होगा, 55 का 20% वैल्यू बनता है सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये, यानी अगर 66 का हाई लगा तो 20% हो गया। अभी आपको करना है 5% का ट्रेलिंग, यानी 66 माइनस 62 63 का ट्रेलिंग आप चालू कीजिए इन अ मॉर्निंग टाइम इन इवनिंग टाइम विद एवरी ट्रेड। अगर मैं अगली कैंडल का हाई आपको दिखाऊं तो आपको ये पोजीशन आपको 12% 10% कुछ आपको इमीडिएटली मिल गया था, 68 69 का हाई है, ठीक है? मैं मानता हूं, देखिए निफ्टी स्मॉल ट्रेडर या फिर आप निफ्टी माने, बहुत बड़े ट्रेडर के लिए भी लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं और बहुत स्मॉल ट्रेडर भी निफ्टी में ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम,
ये प्रीमियम 10 रुपए के चक्कर में मत कीजिए। आपने एक लोट किया, 10 लोट किया, आप उस चीज को कैलकुलेट कीजिए। आपने एक लोट किया था तो भी आपको 10-12% पर ट्रेड मिल गया यहां पे, उसके बाद स्टॉप लॉस कट गया, ये 20% से ज्यादा गया था, यानी 66 का होना था, 3 रुपए और ज्यादा गया था, जो कि मैं अगर बताऊं तो आप सिंपल मीन समझिए, 25-30% अमाउंट क्या होता है 50 रुपए में। भाई अगर मैं इसमें 25 कर दूं तो कितने होंगे, 12.5 रुपए, 30 करूं तो 15 रुपए। सो 53 पे मैंने बोला है, 55 पे आपने एंटर किया, तो आप सिंपली उसका आइडिया लगा लीजिए। अदरवाइज अगर आप लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आपने टच पे ट्रेड किया जब ये ऊपर था प्राइस उसका, देखिए पहली कैंडल ही नीचे आ गई थी, जब आपको लेवल मिला तो अगली कैंडल उसके ऊपर जा रही थी लेकिन क्लोज नीचे ही थी, राइट, तो आपकी एंट्री तो यहीं पे होगी ना, इस कैंडल के ओपन पे, क्लोज पे, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये 20% का फॉर्मूला याद रखिए, पहली बात तो ये। चलिए गलती हुई, कुछ भी हुई, स्टॉप लॉस कटा, डजंट, ओके। अब एक पोजीशन हमने बनाई थी हैज पोजीशन, हैज कितने पे की थी आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हैज में मैंने आज एक नई चीज की थी, वो क्यों की थी। मैंने यहां भी लिखा, बी अवेयर अबाउट टीपी व्हेन द 20% रीच गोज ट्रेलिंग, ओके, ट्रेलिंग पे ध्यान दीजिए, जब 20% प्राइस आपके एंट्री से ऊपर चला जाता है तो 20% की एंट्री का आप ट्रेलिंग करते रहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से, प्राइस लेवल से 20% ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। क्लोजिंग आपकी भले ही कहीं हो, आपकी एंट्री भले ही कहीं हो, लेकिन 20% 25% के बाद मार्केट रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं इस केस में, जब आप कोई ट्रेड करते हो। अभी क्या हुआ, हैज नियर बाय 50, दोनों का प्राइस 50 था, कुछ देर बाद मैंने हैज कराया कि अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते, सीपी बोथ निफ्टी। अभी एक कंडीशन देखिए, दोनों 50 रुपए के आसपास था, ये प्राइस हो सकता है, इसका क्लोजिंग प्राइस देखिए 51 है, उसका हाई 47 है, या फिर इस कैंडल पे, या फिर इस कैंडल पे, दोनों पे ये प्राइस मीट किया, राइट, 50 रुपए के आसपास का प्राइस दोनों तीनों कैंडल पे मैच किया। मेरा मुझे याद है अच्छे से, हेज पोजीशन इस कैंडल पे थी, एक का प्राइस 46 हाई और ये एक हाई के ऊपर 56 हाई, और इसकी वैल्यू यहाँ पे इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड करवाया, जब उसका स्टॉप लॉस कटने वाला था पी का, तो यहाँ पे मैंने वो हेज पोजीशन बनवाई, हाई देखिए 61 और उसका हाई 56, यानी कहीं ना कहीं प्राइस मीट 50 के आसपास हुआ था, ओके। अभी 50 के आसपास जब प्राइस मीट हुआ तो मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट करते रही और इमीडिएटली सी ने टारगेट दिया, ठीक है, सी का टारगेट था 84, ठीक, दोबारा भी गया वो 84, दोबारा 88 के आसपास गया, 4 पॉइंट फिर से ऊपर चला, 88-89, राइट, 84 से हम बात करते हैं, 50 रुपए का प्रीमियम 84 हुआ, सो हाउ मच इट इज 55-60% ऑलमोस्ट, राइट, 60%, बट प्रॉब्लम क्या हुई, लोअर प्रीमियम भी सेम टाइम पे डिके हो गए, यानी आप उसका देखिए लो प्राइस है उसका 17.25, 20 रुपीज मान लीजिए मोटा मोटा, क्योंकि उसका प्राइस 47 था, तो अगर 20 रुपए का माने, सॉरी 30 पॉइंट उसमें गया और उसमें कितना आया, ओनली 4-5 पॉइंट, अभी आपकी पोजिशन सेफ है, अभी आपको नुकसान नहीं हो रहा था वहां पर, ठीक है। अभी क्या हुआ, टाइम डिके फिर से होता गया, यहां पे आने के बाद एक कंडीशन बनती है, ये इस वैल्यू पे मैं कहीं बताऊं, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, दोबारा से 10 रुपए, यानी और 10 रुपए टूट गया, फिर से क्या हुआ, 9-10 रुपए, 9 रुपए, तो अब हाई क्या हुआ 88 का, जिन लोगों ने अगर पोजीशन बुक नहीं की वहां पे 20 रुपीज पे, तो उन लोगों के लिए एक डिफरेंट मैटर हो गया, मतलब वहां पे आपको अच्छी खासी एक 8 रुपए 4 रुपए के ऊपर लिए तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, बहुत दोनों प्राइस सेम मूवमेंट में चल रहे हैं। मेरा टारगेट मिनिमम 50% ऑफ योर प्रीमियम है 50 रुपए का, यानी आपको 25-30 पॉइंट एक साइड में मिल जाए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अगर एक ही साथ प्राइस ऊपर जाता तो ये प्राइस काफी ऊपर जाता, यानी 120 का मेरा आइडिया था, 100-120 का ये हाई मारेगा और उस पर आपकी पोजीशन एग्जिट हो सकती थी, हेज पोजीशन, भले ही प्राइस उसका 10 रुपए होता कुछ भी होता, तो वहां पे आपको 25-30 पॉइंट यानी 50% ऑफ योर प्रीमियम अमाउंट वो मिल जाता हेजिंग में, राइट। अभी चलिए, अब उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा, अब प्राइस को मैंने देखा कि अगर ये प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा, जैसे ये कैंडल बननी शुरू हुई कि प्राइस ये है ना होल्ड कर रहा है, हाई नया हाई नहीं लगा रहा, प्राइस होल्ड हो रहा है, अब अगर प्राइस होल्ड होता है और नीचे वाला प्राइस अगर बढ़ने लगता है, क्योंकि मेरे पास टाइम था, बिफोर 11 o'clock लो लगना मार्केट में, एक अपने आप हाई लगना, कॉल या पुट का लो लगना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, वहां पे मार्केट रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने वहां पे बोला एग्जैक्टली मैंने किया कि आप एक पोजीशन एक लोट, अगर आप एक लोट से कर रहे हैं, 1000 लोट से कर रहे हैं, तो सेलिंग में लोग करोड़ों रुपए की हेजिंग करते हैं, यहां पे आपको 100, 200, 500, 1000 पॉइंट की हेजिंग नहीं होती क्या,
मैंने एक बोला कि प्रीमियम मैच हो जाएगा। चलिए मैंने कब बोला है एग्जैक्टली, मैंने बोला है जब प्राइस रेंज आ गया था 40 के आसपास। इसका प्राइस था, मैं क्लोज देख लेता हूं, 12 रुपए 20 रुपए, ये वैल्यू थी। आप देखिए इसका लो कितना है, 45 46, ये आ गया मेरे एंट्री पॉइंट के आसपास, यानी 50 रुपए के नीचे जाने लगा और नीचे वाला प्राइस ऊपर आने लगा। तो मैंने देखा कि वो 20 का है और मेरा प्राइस 40 का है। अब तो ये हजू नहीं सकती, अब तो दोबारा प्रॉफिट देने का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा था इसमें, यानी मैं दोबारा से मुझे एग्जिट करनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, यहां 20 पे प्रीमियम को दोबारा से बाय किया कि एक आप 20 का और कर लीजिए ताकि नीचे वाले का प्रीमियम और ऊपर वाले का प्रीमियम बराबर हो जाए, ऊपर का 45 नीचे का 40। अगर बाय चांस ये भी गिरता तो ये 20 से 10 रुपए आता, वो वहां से 20 रुपए बढ़ता, तो भी आपकी पोजिशन सेफ होती। तो मैंने यहां पे पोजीशन को एड अप किया, एक पोजीशन यानी यहां पे दो लॉट हो गए, पुट के आपके दो लॉट हो गए और आपके सेलिंग का एक लॉट हुआ, एक ही लॉट रहा जब तक प्राइस नीचे नहीं आया। ठीक है, अब प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल डाउन। अब यहां पे हम एक पोजीशन देख लेते हैं, ये हाई लगा था और सेम टाइम पे आप हाई देख लिए, 81 का हाई है और ये लो जो है वो 16 का, ऑलमोस्ट वही पैटर्न। वो 45 से जब नीचे गिरा है, 20 से वो 80 हो गया, 81 हो गया, 4 टाइम्स। अब कंडीशन को दोबारा समझिए। अब ये पोजीशन जो है जहां पे इसका 17 रुपए, यहां पे आपकी पोजीशन एग्जिट होती है। कारण मैं बता देता हूं, दोनों का 50 50 रुपए रेट था, 40 रुपए था, 50 रुपए था, 50 रुपए से ये चला 30 पॉइंट, 20 रुपए से ये चला 60 पॉइंट। लोट तो दोनों में सेम ही है ना, यहां पे आपको 60 पॉइंट मिले और उसमें आपको 30 पॉइंट मिले। इस मोर देन दैट, एक्चुअली आपको मिले 60 और 30, 90 पॉइंट। 90 पॉइंट में से आपके गए कितने हैं, 50 में से ये 16 17 निकाल दीजिए, करीब करीब आपके गए हैं 35 पॉइंट। 90 माइनस 35, 55 पॉइंट आपने लिए, विच इज मोर देन 100% ऑफ योर हेज। 50 का प्रीमियम आप 100% से ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप टोटल प्रीमियम से कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपीज का प्रीमियम आपने किया था, आपने खरीदा 120 का प्रीमियम, आपको मिले 55 पॉइंट। सो 120 के प्रीमियम से आप मोर देन 45% रिटर्न आप निकाल रहे हो, 50% रिटर्न आपकी बनती है। वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी 20 रुपीज की, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल देखें, 100 रुपए पे आप 50% से ज्यादा के रिटर्न आप ले रहे हो, यही मेरा हेजिंग का रूल है। ये एडजस्टमेंट जो आज कराई है, इसका तरीका सिर्फ यही है। मैंने एक बार, अगर मार्केट बहुत ज्यादा 330 के होता है और आज एक्सपायरी भी थी, मुझे पता मैं कल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, तो ये पोजिशन मैंने इसलिए बनाई। अब ये पोजीशन सेंसेक्स में भी हो सकती है, कल का सेंसेक्स का चार्ट आप खुद ही देख लें, कल भी मैं हो सकता है मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन सेंसेक्स में भी मैंने हेज कराया था और उसकी भी सेम सिचुएशन हुई आज। अब सेंसेक्स का हेज कितने पे हुआ था, अगर आप देखें अज्यूम करें, तो मैंने जो हेज की वैल्यू दी थी वो 250 के आसपास थी, जो मैंने बताया हेज की ये मैं कंटिन्यू बताता रहा, 88 का हाई समथिंग समथिंग और ये चलता रहा। अब ये हमारे क्लाइंट हैं, यस सर आई टुक दैट 14 लेवल, 14.85, यस गुड रोहित, बुक दैट 30, ये जो 30 पे बुक किया इसी का प्राइस 81 गया है, सेम निफ्टी में कर रहे थे हैज, या आई डिड हैज वेल, ये रेजिस्टेंस है वैल्यू चीजें चलिए ठीक है। और इन्होंने बैंक निफ्टी भी किया था, 278 का लेवल आ रहा था, 348 पे बुक किया, काफी ऊंचे गया था। अभी मार्केट रीच हैज द सेंसेक्स 23.81 गया, मैंने 23 रुपए पे एंट्री बोला था कि 23 रुपए पे उसको एक लोट और खरीद लीजिए, हेज में ऐड कर लीजिए। अब ये हेज सेंसेक्स यहां पे प्राइस था 250 के आसपास, सेंसेक्स एग्जैक्टली 199 लेवल इफ क्लोज एट बाय एंट्री टू, राइट, ये कुछ नेक्स्ट था, वो दूसरा था, एक अलग एंट्री था ये उसका। चलिए अभी मैंने हेज किया नियर बाय 250, 250 में अब दोनों का प्रीमियम आप देखेंगे, दोनों का प्रीमियम स्लोली डाउन होने लगा। मैं हेज में किसी भी, दुनिया की कोई भी हेज हो, चाहे सेलिंग का हो चाहे उसका हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको भी नहीं होनी चाहिए। हेज में आपको टाइम मिलता है, थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, और मैं थोड़ा प्रॉफिट लेने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैं इस ट्रेड में भी मैं आपको मोर देन 50% का प्रॉफिट बुकिंग करने की बात बोलता हूं, और जब स्टॉप लॉस कटता है तो वो 25% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं कटता कभी भी, यही थंब रूल है, एक ही ट्रिक है बस। ठीक, अभी हुआ क्या, अभी सेंसेक्स में 250 के आसपास हैज हुआ, दोनों का प्राइस आप देख लीजिए, 229 लो है और ये प्राइस मैच करें। उसके बाद एक का प्राइस 126 देख रहे हैं और दूसरे का प्राइस, दोनों भी लग गया है एग्जैक्टली, सॉरी
अभी का क्लोजिंग देख लेते हैं, ये 126 पे क्लोज हुआ और ये 31 से 310 पे, वो कितना गया, वो 60 पॉइंट ऊपर है और ये वहां से करीब करीब 125 पॉइंट नीचे है, तो आप अभी 60-70 पॉइंट लॉस में चल रहे हैं, राइट। इसको मैंने मैंने तो एक पोजीशन ऐड कर लिया है इसमें, बट अगर आप ऐड नहीं करते तो मैं इसको होल्ड करवाता, क्यों, कल मेरे पास एक्सपायरी का दिन है, अगर दोनों का प्रीमियम डीके होगा तो होगा, कल दोबारा एडजस्टमेंट कर सकता हूं मैं, यही काम कल भी कर सकते हैं। अगर हैज नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर हैज नया पोजीशन एडअप नहीं हुआ या हैज में हमें लॉस दे दिया कल, ये स्ट्राइक प्राइस नोट कर लीजिए, कल सुबह फिर से वीडियो बनाऊंगा या फिर कल सुबह फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे उसका मिनिमम 50% प्रीमियम चाहिए बुक करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज हम 25% या 40% जो भी कुछ होगा सुबह वो देखेंगे, ठीक। ऑलरेडी मैं इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई कर चुका हूं कि मैं एक प्रीमियम को एड अप कर चुका हूं उसका प्रीमियम इक्वल करने के लिए, कि अब अगर सिचुएशन आप 310 के नीचे अगर मुझे मिलती है, तो इस कंडीशन में मैंने किया था कि वो दोनों का दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं, तो यहां पे मैंने किया था कि अगर प्रीमियम और ज्यादा चला तो 200 240 250 के नीचे आया तो वहां पे डिफरेंशिएट ज्यादा ना हो, ठीक है। वो दूसरा स्ट्राइक प्राइस मैंने हेज किया है, वो करीब करीब 70-80 रुपए का, जितना पॉइंट का डिफरेंस था उतना मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया, देखते हैं। और बाकी कल कोई भी प्रीमियम अगर बढ़ेगा, अगर होगा तो वो सिर्फ 100 पॉइंट गिरेगा, अगर ये चला तो ये 600 700 800 भी हो सकता है, हो सकता है इसमें थीटा डी क्या है इसमें नीचे आया, अगर ये 300 से जीरो हुआ तो ऑब्वियसली माई बोथ प्रीमियम आर गोज मोर हायर देन दैट, ठीक है। तो ये था मेरा हेजिंग स्टाइल, और इसलिए आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं भले एक लोट में कीजिए, कुछ कीजिए, एडजस्टमेंट एक आध बार की बात है, आज ही एडजस्ट करवाया, आगे एडजस्टमेंट नहीं करवाऊंगा ना ही बताऊंगा, सिंपल मीन्स है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 25% का स्टॉप लॉस, मिनिमम 50% का टारगेट इन हेजिंग, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे, जब भी मेरा कोई मैसेज आए या जब भी आप हेज के बारे में बात करें तो उस पर कर सकते हैं। और एक और बात, बाय एंट्री वन लेवल अगर कभी भी मिलता है, प्राइस कभी भी बाय एंट्री वन और वन टू दोनों के बीच में प्राइस कभी भी मेंटेन करे, यानी अगर आज हम 50 पे हेज ना करके बाय एंट्री वन और बाय एंट्री टू के बीच में अगर कहीं मेंटेन करते तो हमारी हेज तो तभी प्रॉफिट में आ गई थी, ये मैंने सबको बता चुका, जो मेरे पेड मेंबर सबको पता है कि हेजिंग कब करनी है, व्हेन एवर द प्राइस इज नियर बाय बाय एंट्री वन बाय एंट्री टू मे बी मिड पॉइंट ऑफ 24 लाइक दैट, मतलब 25 से 34 रुपए के बीच में आप कर सकते हो हेजिंग, 14 से 35 रुपए के बीच में जब भी प्राइस मैच करेगा और काफी दोनों का प्रीमियम थीटा डीके की वजह से दोनों का प्रीमियम गिरेगा तभी आप कर सकते हो, और वहां से आप देखोगे अगर दोनों का प्रीमियम आपने बाय किया हो तो दोनों का प्रीमियम ही अच्छा चला, एक का 80 रुपए गया है सिंपल मीन्स, वो 30 रुपए से मान सकते 50 पॉइंट उसमें मिले हैं, और दूसरे का रेट 7 रुपए 8 रुपए 12 रुपए पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो उसको आप समझ सकते हैं और देख लीजिए, और बाकी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज छोड़ दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच।